वेलकम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है इंशाल्लाह सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ उमनिशा फे और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल किचन विद उमनिशा फे। तो आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ एक बहुत अहम चीज़। मुझसे अक्सर लोग ये पूछते हैं कि जाके यूट्यूब चैनल पे वीडियोज़ अपलोड करती हैं, वीडियोज़ डालती हैं, तो क्या मिलता है आपको, क्या वजह है जो आप वीडियोज़ अपलोड करती हैं, या वीडियो अपलोड करने से आपको क्या फ़ायदा हासिल होता है। जबकि आप लोग जानते हैं कि मेरे माशाल्लाह से दो बेटे हैं और फिर जाहिर सी बात है घर के काम होते हैं, हस्बैंड के काम होते हैं, बहुत सारे काम होते हैं, और वीडियो अपलोड करना या वीडियो बनाना एक बहुत ही मेजर काम है, बहुत ही मेजर वर्क है कि आप लोगों को इसके लिए बहुत टाइम निकालना भी पड़ता है। एक तो वीडियो बनाने के लिए आपको टाइम निकालना पड़ता है, फिर दूसरा ये है कि जब वीडियो अपलोड करने का टाइम आता है तो 2.5 से 3 घंटे तो कम से कम अपलोडिंग में लग ही जाता है। जो वीडियोस बनाते हैं या अपलोड करते हैं यूट्यूब चैनल पर, स्पेशली उन लोगों को ये बात बहुत अच्छे से पता है कि वीडियो कोई सी भी हो, आप बाहर की बना रहे हैं, घर की बना रहे हैं, अपनी बना रहे हैं, किसी की भी बना रहे हैं, वीडियो बनाने के बाद उसको अपलोड करना एक बहुत ही डिफ़िकल्ट जॉब होती है, क्योंकि उसको सिर्फ आपने एक बटन दबा के अपलोड नहीं करना होता, बल्कि आप लोगों को उसको प्रॉपरली डिस्क्रिप्शन लिखना होता है, तो उसका टाइटल लिखना होता है, फिर अपलोडिंग का वेट करना होता है, फिर आपने उसके टैग्स लगाने होते हैं, फिर एक प्रोसेस है आपको यूट्यूब चैनल पे वीडियो अपलोड करने के लिए। फिर बाज़ बात हमें काइनास्टर भी यूज़ करना पड़ जाता है, फिर बाज़ बात हमें यूकट भी यूज़ करना पड़ जाता है, क्योंकि वीडियो कोई भी बना रहा हो तो कोई ना कोई प्रॉब्लम आ ही जाती है, मिस्टेक्स हो ही जाती हैं सबसे। कभी कभी होता है कि प्रॉपर पूरी वीडियो बन भी जाती है, अगर छोटी सी हो, लेकिन थोड़ी सी अगर लेंथ हो उसकी वीडियो की, तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आती है, आप कट कर देते हो। तो एक प्रोसेस के बाद जब हम गुजरते हैं, वीडियो हमारी अपलोड होती है और जब लोगों तक पहुंचती है, तो मैं एक बात तो पहले ये कहूँगी अपने तमाम व्यूवर्स से कि जो भी वीडियोज़ देखा करें, अच्छी वीडियोज़ जितनी भी होती हैं, जो भी अपने लोग बनाते हैं, हार्ड वर्किंग करते हैं, इसके ऊपर मेहनत करते हैं, आउटडोर निकलते हैं या इंडोर होते हैं, तो मेहनत की जा करते हैं सब, क्योंकि साइड सी बात है एक तो यह है अर्निंग का ज़रिया, ठीक है ना, मेजॉरिटी इस पर अर्निंग ही कर रही है, कोई भी मतलब अपना टाइम वेस्ट नहीं करता इस तरह से आपके वीडियोज़ बनाए भी, फिर उसको अपलोड करने पर टाइम भी दें और उसको कुछ ना मिले, तो हर कोई अर्निंग ही करना चाहता है, पैसे ही कमाना चाहता है। और यूट्यूब चैनल का प्लेटफॉर्म ऐसा है कि लेडीज़ भी घर बैठ के अपना जॉब इसको कर सकती हैं, अपनी वीडियोज़ अपलोड करके। अगर यूट्यूब चैनल अच्छे मतलब कंटेंट पर उनको पैसा दे रहा है, तो मेरे ख्याल से हर ख़वातीन को भी, हर लड़की को भी इस तरह की यूट्यूब चैनल पर आके अपना चैनल बना के अर्निंग करनी चाहिए। हाँ, किसी को देर से मिलती है, किसी को जल्दी मिलती है, किसी को टाइम लग जाता है, और प्रोसेस में ये होता है कि आपके व्यूवर्स हों आपका ज़्यादातर, क्योंकि व्यूवर्स पर डिपेंड करती है आपकी अर्निंग। तो मैं यही कहना चाहूँगी, जो भी वीडियो किसी की भी देखें, अच्छी देखें, किसी के घर की देखें, किसी की फैमिली को देखें, या आउटडोर में कहीं भी कोई शूट कर रहा हो अच्छी वीडियो, तो उसकी हमेशा आप हौसला अफजाई ही करें, क्योंकि वो मेहनत कर रहा है, एक तरह से अपना चैनल बना के उस पर काम कर रहा है, तो अच्छे कमेंट्स ही उसको पास करें, क्योंकि जो भी बुरे कमेंट्स पास करता है तो डिसहर्ट होता है वो जिसने वीडियो अपलोड की है। तो कोशिश किया करें कि अच्छे अच्छे कमेंट्स लाजमी दिया करें, जब भी वीडियो खोल कर देखें, थोड़ी सी देखें, आधी देखें, तो उसकी हौसला अफजाई की नियत से ही आप उसको कमेंट कर दें। इस तरह से होगा कि वो अपना काम कंटिन्यू ही रखेगा, कहीं भी वो डिसहर्ट नहीं होगा कि उसको मतलब इग्नोर किया जा रहा है। तो मैं बता रही थी कि आप लोग जो पूछते हैं कि आपको क्या मिलता है, बेसिकली होता है कि जो वीडियो बना रहा होता है तो उसको अच्छा भी लगने लग जाता है कि वो वीडियो अपलोड कर रहा है, लोग उसको उसकी वीडियोस को पसंद कर रहे हैं, उसके काम को पसंद कर रहे हैं। तो फिलहाल तो जाहिर सी बात है मैंने अपना चैनल समझ लिया स्टार्ट ही किया। लास्ट टाइम मैंने चैनल 1 साल पहले स्टार्ट किया था, कुकिंग करती थी मैं अपने चैनल पर, लेकिन मेरा बेबी होने वाला था तो मैंने बिल्कुल ही काम ख़त्म कर दिया और चैनल से आउट हो गई थी। अब मैंने दोबारा चैनल स्टार्ट किया है और जाहिर सी बात है अब थोड़ा वक्त लगेगा, टाइम लगेगा मेरे व्यूज़ आते आते लोगों को चैनल देखते देखते। तो अभी तो फिलहाल जाहिर सी बात है मुझे यूट्यूब चैनल की तरफ से कुछ भी नहीं मिल रहा, लेकिन दुआ कीजिए कि आज नहीं तो कल जब कामयाबी हासिल हो और जब कुछ मुझे मिला, तो मैं अपने तमाम यूट्यूबर्स के साथ उसको ज़रूर शेयर करूँगी, आने वाले पैसों को अपने ज़रूर सबके साथ शेयर करूँगी, सबको बताऊँगी कि मिलता है यूट्यूब चैनल हर काम और मेहनत करने वालों को लाजमी देता है। तो दीजिए उमनिशा फे को इजाज़त, लेकिन मैंने आपको जो बताया आप उस पर गौर कीजिएगा, वीडियोस पे कमेंट्स कीजिएगा, मेरी वीडियो को लाइक भी कीजिएगा,
और सब्सक्राइब करना, सब्सक्राइब के बराबर आता है बेल का बटन, उसको लाजमी प्रेस कीजिएगा, मेरे सब्सक्राइब में सब्सक्राइबर में शामिल हो जाए, मेरे लाइक को ज़्यादा से ज़्यादा करें और मेरी वीडियो को शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो शेयर कीजिए। और इसी के साथ उमेश शाफी को दीजिए अपनी इजाज़त, अपनी बहन अपने दोस्त को। नेक्स्ट वीडियो में फिर किसी अच्छी वीडियो के साथ, फिर किसी अच्छी कंटेंट के साथ मैं फिर हाजिर होंगी। तब तक के दीजिए उमेश शाफी को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।